Hi everyone, this is Aman Agarwal. So guys, welcome back to our channel Dabi Tech Factory. So guys, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी लेके आ चुका हूँ. तो जितने भी 2025 बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोगों के लिए वीडियो होने वाली है. एंड जितने भी 2024 बैच के कैंडिडेट्स हैं, आप लोग भी इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो. इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटी दिखाने वाला हूँ, PayPal. PayPal सभी स्टूडेंट्स को पता है कितनी बड़ी कंपनी है. एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसकी प्रोफाइल लेने वाली है. एंड दूसरी अपॉर्चुनिटी होने वाली है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इंटर्नशिप की. तो ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जितने भी 2025 बैच के स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स को इस अपॉर्चुनिटी के अंदर अप्लाई करना है. तो दोनों की दोनों अभी मैं हायरिंग आप लोग को दिखाऊंगा. ऑफ कैंपस हायरिंग होने वाली है. वीडियो एंड तक देखना, सारी चीजें बताने वाला हूँ, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जितने स्टूडेंट्स भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ. सारी चीजें मैं आपको बात करने वाला हूँ. सो PayPal कंपनी के अंदर ये अपॉर्चुनिटी होने वाली है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल पे अपॉर्चुनिटी होगी. चेन्नई इसकी लोकेशन रहने वाली है. बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की. PayPal इज हायरिंग फॉर द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ठीक है, अभी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, आप लोग पढ़ लेना. रेस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड हैंड्स ऑन कोडिंग इन कोड जावा एंड J2E. अब जितने भी स्टूडेंट्स के रेज्यूमे के अंदर जावा मेंशन होगा, मैं सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिससे रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होता है. ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स के आपके रेज्यूमे के अंदर जावा मेंशन है, अगर आप लोग के रेज्यूमे के अंदर जावा मेंशन नहीं है तो जावा मेंशन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में साफ साफ लिखा है कोड जावा. ठीक है, तो हो सकता है कि जावा की डिमांड ज्यादा हो इस कंपनी के अंदर, जावा के ही कैंडिडेट चाहिए हो. तो अगर आपके रेज्यूमे के अंदर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, अगर आपको नहीं भी आती है तो अपने रेज्यूमे के अंदर आप एक PayPal के लिए रेज्यूमे बना लो अपना, उसमें ही एडिट कर दो एंड जावा भी वहां पे मेंशन करके इसको आप अप्लाई कर देना. डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा, अभी बता देता हूँ कैसे कैसे अप्लाई करना है. एक्सपीरियंस इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड रेस्टफुल वेब सर्विसेज एंड स्प्रिंग बैच. तो मेन इनको जावा का कैंडिडेट चाहिए जिसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइक आपका इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, आपका एब्स्ट्रक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेप्थ नॉलेज हो. जिस भी कैंडिडेट्स को उसकी डेप्थ नॉलेज है, उसके लिए प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. ये हायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पता नहीं चलता कब अपॉर्चुनिटी से हमारा कन्वर्जन हो जाए सिलेक्शन के अंदर. ठीक है, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ, जो भी अपॉर्चुनिटीज आप लोग को दिख रही है, आप अप्लाई कर देना. जितने भी Tier 3 स्टूडेंट्स हैं, जितने भी Tier 3 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स को तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि ऑन कैंपस तो आपको अप्लाई करना ही करना है. ऑन कैंपस तो प्रिपरेशन करनी करनी है, बट ऑफ कैंपस भी आप लोग को हायरिंग पे अप्लाई करते रहना है. ठीक है, हो सकता है आपका ऑफ कैंपस हो जाए, हो सकता है आपका ऑन कैंपस हो जाए. जहां पे भी आपको बेस्ट ऑफर मिले वहां से आप अपना ऑफर ले लेना. तो PayPal एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है. बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर जो टॉप नॉच लेवल के कॉलेजेस होते हैं, Tier 1, Tier 2 कॉलेजेस के अंदर ही PayPal जाती है. ठीक है, अभी हम बात करते हैं सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स. तो DSA, सभी स्टूडेंट्स को DSA के बारे में पता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स प्लेसमेंट्स के लिए कितना बड़ा एक टास्क है, कितना बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स अगर आप लोगों ने नहीं कवर किया, तो आज से ही डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे आने वाले 6 महीने लगा दो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने में, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लो. बी एन एक्सीलेंट टीम प्लेयर, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव माइंडसेट. तो ये आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी इस रोल के लिए. जॉब लोकेशन चेन्नई होने वाली है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पे भी मेंशन है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट, फ्रेशर. तो जितने भी 2025 वाले बैच वाले कैंडिडेट्स हैं, वे भी अप्लाई कर सकते हैं एंड 2024 वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं. सैलरी डिस्क्लोज नहीं हुई है, बट अच्छा पैकेज रहने वाला है. ठीक है, वर्किंग डेज 5 डेज रहने वाले हैं. जॉब टाइप इन ऑफिस, जॉब टाइमिंग फुल टाइम. डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अप्लाई कैसे करना है बता देता हूँ. एंड इसके बाद हम देखने वाले हैं आपकी इंटर्नशिप वाली हायरिंग, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ आप लोग को. आप जैसे यहाँ पे अप्लाई नाउ पे अप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पे, तो आप एक दूसरे पोर्टल पे आप खुल जाओगे. ठीक है, इनके जो इनका जो ऑफिशियल है PayPal का, आप यहाँ पे आ जाओगे एंड यहाँ पे आपको जॉब आईडी मिल जाएगी, सारी चीजें दिख जाएगी. यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन दिख जाएगी, हायरिंग दिख जाएगी. बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेन्नई तमिलनाडु. अप्लाई नाउ पे आपको अप्लाई करना है, ये जॉब आईडी यहाँ पे मेंशन है. अगर आपके कोई रिलेटिव में कोई भी आपका इंजीनियर PayPal के अंदर है, किसी को भी आप जानते हो, चाहे आपका सीनियर हो, तो आप रेफरल भी ले सकते हो इस जॉब आईडी से. ये जॉब आईडी साफ साफ मेंशन है, यहाँ से आप रेफरल भी ले सकते हो, ये भी एक बेस्ट रहने वाला है.
ठीक है, अदरवाइज आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी बार बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है आप लोग को रेस्पॉन्स आने की, ये मत सोचना कि भैया रेस्पॉन्स नहीं आते हैं। 1000 एप्लीकेशन अगर आप अप्लाई करोगे तब जाके आप मान के चलना कि 1 से 2 हायरिंग में आपको रेस्पॉन्स आएगा, बट हो सकता है वो 1 से 2 हायरिंग ही हमारे सिलेक्शन करा दे। तो आपको अप्लाई करते रहना है, ये नहीं सोचना है हार्डली कितना टाइम लग रहा है, 5 to 10 मिनट्स लगेगा आपको अप्लाई करने में, तो अप्लाई करते रहना है। अप्लाई नाउ पे आपको जाना है, ठीक है। अभी यहां पे आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो यहां पे आपका रेज्यूमे, प्लीज अपलोड रेज्यूमे। तो मैंने आपको जैसे बताया, रेज्यूमे के अंदर अगर जावा मेंशन नहीं है, सबसे पहला प्रायर काम ये रहने वाला है जावा मेंशन करना, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना अपना रेज्यूमे, यहाँ पे नेम मेंशन करना, लास्ट नेम मेंशन करना, फोन नंबर मेंशन करना, ईमेल आईडी मेंशन करना, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो आप यहाँ पे सोशल मीडिया कर सकते हो, ठीक है। आर यू ए प्रीवियस एम्प्लॉय ऑफ पेपाल और एनी ऑफ इट्स सब्सिडियरी, तो यहाँ पे नो, आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है, कंट्री में आपको इंडिया करना है, ठीक है। तो बस ये बहुत छोटी सी एप्लीकेशन होने वाली है, एंड यहाँ पे आपको जेंडर फिल करके ये आपके एप्लीकेशन क्वेश्चंस है, एंड टर्म्स एंड कंडीशन पे यस यस करके आपको देन सबमिट करना है, आपका सबमिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया एप्लीकेशन नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, हार्डली 1 to 2 मिनट्स के अंदर आपकी एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, नेक्स्ट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मान लेना, क्योंकि अभी जितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इंटर्नशिप में सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। एटलीस्ट अभी एक बार इंटर्नशिप आप लोग कर लो। तो अभी इस इंटर्नशिप को बताने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग को हमारे चैनल पे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, एन नंबर ऑफ वीडियोस हमने बनाई है, आप लोग देख सकते हो, एंड हायरिंग वीडियोस आप लोग के लिए, प्लेसमेंट प्रिपरेशन की वीडियोस आप खुद देख सकते हो, हमने पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनाई है बिल्कुल टॉप नॉच लेवल, मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। असेंचर के लिए भी हमने प्लेलिस्ट बनाई थी, टीसीएस इंटरव्यू के लिए भी हमने प्लेलिस्ट बनाई है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो आप लोग देख सकते हो कंप्लीट कोडिंग असेसमेंट 2 आवर का 1 शॉट ये रहने वाला है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, टॉप नॉच लेवल आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारा कंटेंट आपको टॉप नॉच लेवल मिल जाएगा, एंड हायरिंग वीडियोस भी इस चैनल पे आती रहती है, आप लोग देख सकते हो। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, तो चैनल को आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग को कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इंटर्नशिप, शैलोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के अंदर ये अपॉर्चुनिटी होने वाली है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कोई आपका असेसमेंट नहीं होने वाला है, डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है, जितने भी स्टूडेंट्स को कॉल आएगी डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, आपको मेल आ जाएगी। इंटरव्यू राउंड स्टार्ट हो चुके हैं इनके 7 दिसंबर से, एंड हो जाएंगे 31 दिसंबर से, तो इस बीच में आपको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। डिटेल्स यहाँ पे आपको लिखी है, वी आर लुकिंग फॉर अ हाईली क्रिएटिव एंड मोटिवेटेड मोबाइल ऐप डेवलपर इंटर्न हु इज पैशनेट अबाउट ऐप डेवलपमेंट एंड हैज एक्सपर्टीज इन वेब डेवलपमेंट, की स्किल्स एंड रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, नॉट जेएस, रिएक्ट जेएस, मिनस्टैक, तो ये सब इनके रिक्वायरमेंट्स आप लोग पढ़ लेना। मिनस्टैक बेसिकली अगर आपको ये सब चीजें आती है, नॉट जेएस, रिएक्ट जेएस, मिनस्टैक, ठीक है, ये सब चीज आती है, तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, तो आपको जाके अप्लाई करना है, ठीक है।